ये है दोस्तों, अरे ये है दोस्तों फायरबोल्ट एपिक। फायरबोल्ट की तरफ से आने वाली उनकी एक ब्रांड न्यू स्मार्टवॉच, आज की इस वीडियो में इसे खोल दिया जाएगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मतलब अनबॉक्स कर दिया जाएगा और बताऊंगा कि क्या ये स्मार्टवॉच आप लोगों को परचेज करनी चाहिए या नहीं। ये है दोस्तों बॉक्स हमारी फायरबोल्ट एपिक की स्मार्ट वॉच का। यहाँ नीचे की तरफ कोहली भैया का वही पुराना स्टिकर है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स दिए गए हैं और अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर अगेन फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है। बाकी पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो 7999 मेंशन किया गया, बट एक्चुअल प्राइस ये नहीं है। और ऊपर की तरफ ये जो फटा हुआ है, ये बॉक्स फटा हुआ नहीं आया था, गलती से मुझसे ही फट गया। उत्सुकता ही इतनी भरी हुई है अंदर। अच्छा जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन करते, ओह माय गॉड, अगेन एक और बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसकी पैकेजिंग थोड़ी और स्मार्ट वॉच से डिफरेंट की गई है। जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं, खुल जा सिम से। तो सबसे ऊपर यहाँ देख सकते हो कुछ किताबें दी गई हैं यहाँ पर, जिनका अगेन हमारे लिए कुछ काम नहीं है क्योंकि हम किताबें नहीं पढ़ते। अब जल्दी से स्मार्ट वॉच को बाहर निकालते हैं। ओह माय गॉड, इसको साइड में रखते हैं एक मिनट। और साथ ही में आपको एक पोको पिन चार्जिंग केबल देखने के लिए मिलती है, इसको हटा दिया जाए। इस स्मार्ट वॉच में दोस्तों आपको एक प्लास्टिक फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में भी यहाँ पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। अगर दोस्तों काफी अच्छा होता अगर बैक साइड में आपको ग्लोसी फिनिश और पूरा फ्रेम जो है वो मेटल का देखने मिल जाता, बट शायद हो सकता है तब जो है इस स्मार्ट वॉच का प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाता। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, ये जो स्मार्ट वॉच है ये एक बजट सेगमेंट वाली स्मार्ट वॉच होने वाली है। बाकी दोस्तों स्ट्रैप जो है वो भी इसको प्राइस को देखते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर। और अगेन स्ट्रैप जो है दोस्तों वो रिमूवेबल है, यानी कि ना आप चेंज कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। तो फाइनली बूटिंग हो चुकी है दोस्तों और कुछ मेन स्क्रीन आपको ऐसी देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों जैसे ही मेन स्क्रीन को आप टच और होल्ड करोगे तो यहाँ से आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो। एट अ टाइम आपको इसमें इनबिल्ट 6 वॉच फेसेस के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी वॉच फेसेस को आप इसकी एप्लीकेशन डाफिट के थ्रू चेंज कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जब ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको क्विक पैनल देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें से आप इसकी फ्लैश लाइट को इनेबल कर सकते हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप इसकी ब्राइटनेस को भी चेंज कर सकते हो, थिएटर मोड और सेटिंग्स को भी डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हो। लेफ्ट टू राइट करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी मेन्यू स्टाइल देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अभी फिलहाल मैंने हनीकॉम में सेट किया है। बाकी आप इसे चेंज भी कर सकते हो लिस्ट पर सेटिंग में जाकर। नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपके मैसेज के नोटिफिकेशंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर राइट टू लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको अपना डेली एक्टिविटी ट्रैकर देखने के लिए मिल जाएगा कि कितना खर्चा पानी आप लोगों ने डेली किया है, कितनी कैलोरीज बर्न की, कितने चले, मैक्सिमम हार्ट बीट, मिनिमम हार्ट बीट क्या है, वो सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इस स्मार्ट वॉच में दोस्तों आप लोगों को एक 1.69 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। तो डिस्प्ले वाइज काफ़ी कमाल की है यहाँ पर ये स्मार्ट वॉच। साथ ही साथ दोस्तों रेजोल्यूशन भी है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, और कलर कॉन्ट्रास्ट जो है वो भी काफ़ी सही दिए गए हैं इस स्मार्ट वॉच में। बैटरी की बात करें दोस्तों इस स्मार्ट वॉच की, तो इस स्मार्ट वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता, यानी कि ना ही माइक्रोफोन और ना ही स्पीकर का यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर बात इतनी चाहिए कि इस स्मार्ट वॉच का जो बैटरी बैकअप है वो आपको ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच से तो ज़्यादा देखने को मिलता है, बट कितना ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है वो अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि अभी पूरी मैंने बैटरी इसकी ड्रेन नहीं किया है, समझ रहे हो। अच्छा हमको सिखा दिया है, एग्जाम्स चल रहे थे ना इस वजह से थोड़ा बिजी था, बट जैसा भी मैंने अभी तक इसका एक्सपीरियंस किया है बैटरी बैकअप, तो मेरे हिसाब से तो 6-7 दिन तो आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी फिर बैटरी बैकअप इस पर भी डिपेंड करता है कि यूज़र इसे कैसे यूज़ करता है। ये स्मार्ट वॉच दोस्तों धारा IP68 के तहत आपको वाटर रेजिस्टेंट भी देखने के लिए मिल जाती है। तो बारिश वगैरह वैसे पड़ रही है तो आप इसे बारिश में भी पहन के जा सकते हो, जिम और वर्कआउट के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगी। इस स्मार्ट वॉच में दोस्तों आपको 120 स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर सभी तरह के स्पोर्ट्स मोड जो आप बोलोगे वो सब स्पोर्ट्स मोड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर चाहे आपको कबड्डी हो, खो खो हो, लूडो हो, पोसंपा, अंताक्षरी। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पिस्तौल हमारी।
जान तुम्हारा। अगर 2-3 साल पहले की बात करूं तो उसके मुकाबले अभी स्मार्ट वॉच की जो ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव करी जा रही है कंपनी के थ्रू। पहले दोस्तों स्मार्ट वॉच की ब्राइटनेस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, बट इसी स्मार्ट वॉच में आपको ब्राइटनेस अच्छी देखने के लिए मिल जाती है इंडोर एज वेल एज आउटडोर भी। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मुझे यहाँ पर टाइम को देखने के लिए। ऐप इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों इसी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको डॉफिट नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यूआई जो है इस एप्लीकेशन का काफी सिंपल है, तो काफी आसान होगा आपको यहाँ पर इसे समझने के लिए। बाकी स्मार्ट वॉच में काफी सारे वॉच फेसेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिन्हें आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू ही। इसी स्मार्ट वॉच के थ्रू दोस्तों आप अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन लेवल तीनों ही चीजें मेजर कर सकते हो। बट अगेन हर वीडियो में सेम बात बोलता आया हूँ कि स्मार्ट वॉचेस की जो रीडिंग्स होती है ना वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट मुझे नहीं लगती। कभी कभी आ जाती है एक्यूरेट, बहुत कम केसेस होते हैं, और कभी कभी इनकी रीडिंग जो है वो इनएक्यूरेट भी हो जाती है। बट अगर वाकई अपनी हेल्थ से प्यार करते हो आप लोग, तो इन स्मार्ट वॉचेस की रीडिंग्स पर रिलाई नहीं कर सीधे जाओ डॉक्टर के पास और चेकअप करवाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये थी पूरी स्टोरी इसी स्मार्ट वॉच की। स्मार्ट वॉच अच्छी है, अगर परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। और भाई ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल पे अगर पहली बार आए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, हम प्रसन्न हो जाएंगे। रक्षाबंधन आ चुका है दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ 75वां स्वतंत्र दिवस है, याद है ना, हर घर झंडा। बस तो फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।